अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलामुअलैकुम। शहाबुद्दीन की सारी प्लानिंग साजिश कामयाब हो जाती है और सुनहरी और शहाबुद्दीन का निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इससे पहले कि निकाह हो पाता, अचानक शोर मच जाता है। सुनहरी घर में नहीं है। सुनहरी एक आखिरी कोशिश करने के लिए आहिल के पास जाती है, लेकिन वो तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। उल्टा से कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो उसके रवैये से मायूस होकर रोती हुई वापस आ जाती है। सुनहरी को गायब पाकर शहाबुद्दीन उसकी माँ को धमकी लगाता है। सुनहरी पर सिर्फ उसी का हक है, वो किसी और की हो नहीं सकती। तब सुनहरी की माँ पर शहाबुद्दीन की नीयत खुल जाती है कि जो कुछ था इसी का किया धरा था। वो दिल में दुआ करती है सुनहरी वापस ना आए, लेकिन सुनहरी मायूस रोती हुई जब वापस आ जाती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और दुआ करती है कि या अल्लाह मेरी बेटी की मदद करना, और ख़ुद गिरकर मर जाती है। और यूँ सुनहरी अकेली शहाबुद्दीन के रहम और करम पर रह जाती है। वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया की तरह पर फड़फड़ाती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसका आखिरी सहारा आहिल ही होता है, वो भी उसका साथ छोड़ चुका होता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।